सुलेमान खतीब साहब और गुलबर्गा का बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ, सुलेमान खत गुलबर्गा कहीं तुम हम जब जाते हैं हैदराबाद या कहीं दूसरे दखनी इलाकों में, तो गुलबर्गा का नाम जब आता है तो सुलेमान खतीब का नाम उसके साथ ही आता है। और हम बचपन से उनकी नज़में, उनके जो तंजिया और जो ह्यूमरस, उनकी जो सटायर पोएम्स हैं वो हम सुनते आए हैं। तो आज उनकी फैमिली के लोग, तहसीन साहब हैं, शमीम सुरिया मैम हैं, तो ये सब सारे लोगों के साथ यहाँ पे बैठे बैठ के हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शुरुआत में मैं एक उनकी एक छोटी सी नज्म पढ़ना चाहूँगा, जो जिसका नाम हिमालय की चांदी है, और उसके बाद हम दूसरे सेशन में प्रोसीड करेंगे। हिमालय की चांदी पिघलती रहे, मेरे घर में गंगा उबलती रहे, ये गांधी ये गौतम की प्यारी जमी हमेशा जवाहर उगलती रहे, अहिंसा का अब बोल बाला रहे, तिरंगे का जग में उजाला रहे, हंसी आज कितनी है मेरी जमी, कहो तुमने देखी है ऐसी कहीं, ये सूरत पे तनवीर जमूरियत नाज अगर नजर आज रुख पर तनहित नहीं, कसम खा के कहता हूं ए मेरी माँ, मैं ऊंचा रहूंगा तेरा ये निशान, मेरी जिंदगी होगी तेरे लिए, मेरी बंदगी होगी तेरे लिए, यही फख्र क्या कम है मेरे लिए, मेरे खून की सुर्खी है तेरे लिए, मेरी माँ तू मुझसे भी कुछ काम ले, जरूरत हो तो मेरी मुझे आवाज दे, सलामत रहे गंगो जमन, ये अजमेर काशी की बनकी पवन, एलोरा अजंता का रंगीन सुहाग, सलामत रहे मेरा प्यारा वतन, सदा तेरी रंगीन खायम रहे, बहारों की दुनिया ये दायम रहे। तो ये सुलेमान खतीब साहब ने लिखी है। अक्सर जब हम सुलेमान खतीब साहब के बारे में सुनते हैं तो यही सुनते हैं कि ये मजाहिया कॉमेडी टाइप के राइटर थे, पोएट थे, लेकिन कई उनके ऐसी नज़में हैं उनके जो बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पे हैं। ये जो हिमालय की चांदी है ये देश के लिए उन्होंने लिखी थी, जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पोएट्री है। और ये तो हम सुलेमान खतीब साहब की पोएट्री तो हम हमेशा सुनते हैं। कुछ साल पहले मैं शायद यूट्यूब पे कुछ ढूंढ रहा था, तो मुझे वहाँ पे सुलेमान खतीब की जो मिसेस हैं राशिदा बेगम साहेबा, तो मुझे उनकी एक वीडियो क्लिप मिली, जो मैं उनकी एक नज्म, उनकी एक गजल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। और मैं शौक था जब मैंने ये गजल मैंने सुनी, क्योंकि अक्सर होता है कि हस्बैंड शायर है तो वाइफ ओवर शैडो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं जब उनकी ये नज्म सुन रहा था तो माशाल्लाह बहुत ही मुझे उनका एक दूसरा लिटरेचर पे उनकी फैमिली कितनी इन्वॉल्व है ये मुझे देखने मिला था। तो एक छोटी नज्म गजल है तो मैं यहाँ पे आपके सामने पेश करूँगा। बहुत कुछ सुनने को जी चाहता है, बहुत कुछ हाँ सुनने को जी चाहता है, ये जख्म दिखाने को जी चाहता है, बहुत कुछ सुनने को जी चाहता है, ये जख्म दिखाने को जी चाहता है, उन्हें याद करके जो आंसू बहाए, उन्हें याद करके जो आंसू आंसू बहाए, आंसू छुपाने को जी चाहता है, कई बार रूठे है आदत तुम्हारी, कई बार हो रूठे आदत तुम्हारी, हमेशा मनाने को जी चाहता है, तुम्हारी मोहब्बत के सदक़े में जाऊं, तुम्हारी मोहब्बत के सदक़े में जाऊं, कलेजा लगाने को जी चाहता है, जमाने की रफ्तार से तंग आकर कभी, जमाने की रफ्तार से तंग आकर कभी, गुनगुनाने को जी चाहता है, मेरे मेरे शेर पे जो वाह वाह कहे, मेरे शेर पे जो वाह वाह कहे, मुकर्रर सुनाने को जी चाहता है, मुकर्रर सुनाने को जी चाहता है। तो ये एक छोटी गजल थी
राशिदा बेगम साहिबा जिनका तखल्लुस सुरैया भी है, तो आप लोगों के सास बहू। तो मैं यहाँ पे शमीम मैम है और तहसीन साहब है, तो उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता था सुलेमान खतीब साहब को। उनकी मतलब नॉर्मली लोग अगर लिखते हैं उर्दू में या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में, मतलब दूसरे टॉपिक्स पे लिखते हैं, तो उनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता था ये छोटे छोटे चीज़ों पे, और उनकी जो पोएट्री है, उनकी जो नज़में हैं, उसमें ये जो छोटे इमोशंस रहते हैं, तो ये कहाँ से आता था उनको? अब देखिए, ये बात मेरा ख्याल है कि उनकी जो प्रीफेस है, यानी कि मुकदमा जो जिसे कहते हैं उर्दू में, यानी मजमाए कलाम में, तो उसमें लिखा है कि वो क्या इंस्पायर करता है उन्हें जी और कैसे लिखते हैं। जी लेकिन ये तो ब्रॉड था, लेकिन मैंने देखा है उनको लिखते हुए, जैसे उनकी और एक मशहूर नज़म है हर्रज का पलंग। जी तो हुआ ये कि वो हर्रज का पलंग ये था कि वो एक हमारे रिश्तेदार का एक पलंग था, उस पर जो है वो बैठे हुए थे, और वो वाकई जो है ना काफी पुराना था, और वो जो है ना चुरमुरा रहा था, हिल रहा था वो, और सब कुछ उसमें यानी कि उसके नट्स और बोल्ट्स जो है ना उनके थ्रेड्स खत्म हो गए थे और बिल्कुल शेकी हो गया था। तो जी उन्होंने उसी वक्त कहा कि पट्टी में जिसकी लर्जा, पाए में जिसके राशा, चीज कांपती है किसका पलंग है बादशाह। तो ये स्टार्ट इस तरीके से हुई है, नज़्म समझ गया आप। तो उसके बाद जी उन्होंने मुख्तलिफ, मेरा ख्याल है कि दो दो तीन रोज में उन्होंने वो नज़्म लिखी। और होता ये है कि हर राइटर का अपना अपना, लिखने वाले का अपना अपना मेथड होता, किससे इंस्पायर होते हैं, फिर इसमें उनका तर्जुमा तजुर्बा होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। अभी देखिए कॉन्ट्रास्ट कीजिए, अभी आपने सुना यंग राइटर अदलीब वाजिद को, और उनके जी लिखने का मकसद कुछ और है, और वो टोटली कंट्रास्ट है सुलेमान खतीब के लिखने से। देखिए सुलेमान खतीब की मकसदी शायरी है इस एड्रेसिंग सोशल एविल्स इन ऑल ऑफ हिज पोएट्री। हैज अ मैसेज, ही वुडंट राइट एनीथिंग विदाउट ए मैसेज। यस तो बगैर, अब देखिए ये मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि वो अंदलीप जो लिख रही हैं वो रिलेवेंट नहीं है, ये नहीं, लोग वैसा भी पढ़ना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसी में दिलचस्पी हो हर तरह की। जैसा कि उन्होंने सही कहा कि आप एक पर्टिकुलर जेनर की उन्हें अडॉप्ट करती, नॉट लिमिटिंग। शेक्सपियर ने देखे कॉमेडी भी लिखी है, ट्रेजिडी भी लिखी है, जी कॉम्प्लेक्स नफ्सियाती कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं उसने। जी तो जरूरी नहीं है, आप राइटर की चॉइस है, पढ़ने वालों की चॉइस है। आप देखिए रिफ्लेक्शन जो है हमारे मूवीज आजकल जो फिल्में हैं वो रिफ्लेक्शन है कि क्या हो रहा है राइट समाज में। पहले होते थे मकसद ही, आपको ये आता था आर्ट मूवीज आती थी जिसमें जो है सोशल लेवल्स करते थे। इवन कमर्शियल मूवीज भी आप देखिए पुराने राज कपूर के हो या दिलीप कुमार के हो, उसमें जो है ना सोशल स्ट्राइक, मजदूर की, नया दौर में मजदूर और मशीन की लड़ाई, और जी अच्छे और बुराई की लड़ाई, जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर। मगर आज देखिए आज क्या है, कुछ कुछ दे होता है, और ये इस किस्म की जो मूवी है स्केपिज्म की है। इसमें जो है ऐसे लोग देखते हैं जो भाई जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, हमको इस पे फोकस करना चाहिए, और ये जो अफरारियत जिसे हम कहते हैं स्केपिज्म, तो फील गुड मूवीज देखते हैं। तो ये कंट्रास्ट है जनरेशन का, वो काफी मुतासिर थे समाज से, बेहतरी चाहते थे ऊपर लेवल। इवन सिंपल जैसे कि उन्होंने कहा, आपने पहली नज़म जो सुनाई जी वो ये था कि कौन सी हिमालय की चांदी हिमालय की पिघल, चंद उसमें देखिए एंड किया है उन्होंने, इंस्पायर किया है, कहते हैं कि जरूरत हो मेरी माँ तो आवाज दे। आवाज़ दे। हाँ, जी
खून बहाना चाहते हैं अपने वतन के लिए, और जी कहते हैं मैं ये नो मेरा खून की सुखी है तेरे लिए, तेरे लिए। मैं भी मकसद है कोई इसमें नहीं मिली। तो एक तो ये कि उनका अपना शायर का अपना फनकार का थॉट प्रोसेस है, उसमें उसका तर्जुमा है, क्योंकि वो आते थे रूरल एरिया से आए थे, और वो खुद जो है ना ये सारे मसाइब देखते थे। अभी आपने जो सास बहू देखी, हर घर का है सास बहू, एटर्नल है। अमेरिका 30 साल से हूं, और मेरे जी साथ काम करने वाली औरतों को सुनता हूँ अपने सास के खिलाफ बोलते हुए, और सासों को सुनता हूँ और बहुओं के खिलाफ बोलते हुए, हर कल्चर में, हर जबान में, दुनिया के हर खित्ते में। ये जनरेशन गैप और लिमिट कहाँ पर उनकी खत्म होती है, कहाँ शुरू होती है, ये मसला जो है ना, ये लाफानी है। ये उनके सारे ये मसले ऐसे ही हैं। तो ये इसमें भी यही एड्रेस किया गया है। तो समाज से पिकअप करते थे वो, जो एफ्लिक्ट जिसे बोलते हैं ना, कि जो मुतासिर करते थे समाज में, जो बीमारियां हैं या खामियां हैं जिसे वो देखते थे, उससे मुतासिर होते थे, क्योंकि वो खुद समाज का हिस्सा है, हसास आदमी थे। जी कोई भी फनकार हसास होता है, और उसको गहरी नजर होती है कि लोग क्या महसूस करते हैं, कौन सा मसला लोगों को मुतासिर कर रहा है, इससे वो इंस्पायर होते हैं। शुक्रिया तहसीन साहब। आप आपकी कोई एक फेवरेट नज्म जो आपके वालिद साहब ने लिखी थी, दो लाइन अगर सुना सके हमारे लिए तो बहुत अच्छा। मेरे सामने इस वक्त मजमा तो है नहीं, और जी जी कला जी जी यस मैं सुना नहीं सकता मैं तो, लेकिन मेरी वो जो है कि 28 तारीख जो उनकी एक नज्म है, अट्ठाईस तारीख यस 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 वो मुझे पसंद है। अगर कोई सुनना चाहे, और अगर कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ दें, वही मुझे वो पसंद है, उस बहुत पसंद है वो। मेरा जी ख्याल जी है जी में उनका कलाम, वो जाने जाते थे लंबी से लंबी नज़मों के लिए, जिसमें टेंशन और टेम्पो कहीं भी यस छोल यस नहीं यस आता था, और यस जो ऑडियंस की, पढ़ने वालों की जो तवज्जो हो, वो कभी भी जो है ना वो अटेंशन लूज नहीं करते थे, यस इतनी यस लबील नज़में होने के बावजूद। मैं बेशक समझता बेशक हूँ इस मुख्तसर से नज़्म में, बहुत छोटी है ये, मेरा जी ख्याल है कि आप देखिए उनकी नजम में इब्तिदा होती है, जैसे नावेल, अभी हम अंग्रेजी से बात कर रहे थे, किसी ने पूछा कि मिडिल कैसा आप लिखती हो, है ना। यस तो उनकी नजम देखिए, उनकी नजम में ये सारे जो नावेल में खसूसियात है कि एक बिगनिंग है उसका जो है ना, एक मिडिल है और एक कंक्लूजन है, इनकी सारी नज्मों में वो है। बेशक बेशक आप मगर लेकिन ये जो नजम है इतनी छोटी है, इसके बावजूद इसमें जो शिद्दत और बहाव है, और जो है ना मैं समझता हूं कि उनके फन का ये निचोड़ है। जी बेशक बेशक। कौन गालिब ये तेरा सग्गा है कि कलेजे को थाम लेती है, इतनी दीदा दिलेरी देखो माँ घर में मर्दां का नाम लेती है। तो ये जो नियॉन्सेस होती है लैंग्वेज की, एक जी दखनी जो हमारी एक जुबान है, हमारी डायलेक्ट है, तो बहुत ही मतलब एक सरल, एक अच्छे अंदाज से लिखते थे सुलेमान खतीब साहब। और जहां तक मैं उर्दू पढ़ा हूं और सुना हूं, उनसे पहले शायद ही कोई लिखते थे ऐसी ऐसी जुबान। देखिए, एक तो क्या फिर उन्होंने अपने मुकदमे में लिखा है कि वो क्यों लिखते थे जमाने में। जी आप अगर उनका मजमा पढ़े तो वो उन्होंने फारसी, अमीर खुसरो की नज्म फारसी से जो है उर्दू में गजल एक तर्जुमा की है, और जी कई नज्मों में आप देखेंगे जब शायर वो है ना, दो शायर एक खासा, जिसमें एक लखनवी शायर है वो उर्दू का शायर है, वो अपने जज्बात एक रखासा के यानी कि नाचने वाली के यस यस डांसर के वो बता रहा है, उर्दू में उसकी तारीफ कर रहा है, और वहीं पर दखनी में भी कर रहा है, और दोनों अपने अपने फन में माहिर है। इसके अलावा जी और जी एक जी नज्म है दखनी, लखनवी शायर की दखनी बीवी, जिसमें शौहर लखनवी है और बीवी और दखनी है, और जी जी कॉन्ट्रास्ट है, और उनकी और गजलें भी हैं उर्दू में, और मनखबत है जो फसी उर्दू में है। इससे मालूम जी होता है कि जबान पर उनके कुदरत था उर्दू
उर्दू जबान पर भी, जी लेकिन जी वो जो मसाइल वो उठा रहे थे उससे मकसद समाज को सुधारना, लोगों में बेहतरी पैदा करना, एक अच्छा कैरेक्टर किरदार पैदा करना कौम में, ये उनका मकसद था शायरी लिखने का। और वो समझते थे कि भाई, उन्होंने खुद कहा है कि अरे भाई, मैं अगर किसान की शायरी आला और अरफा जबान में, उर्दू जबान में लिखूं, तो फिर किसान तो समझा ही नहीं गया। आम आदमी जिसके लिए लिख रहे हैं आप, वही नहीं समझता है। अब ये शादी का जो मसला है, जिसमें इसमें सास और बहू में इल्म कितना जरूरी है, और जो है ना बताया गया है, बात हर बात को नहीं कर, जब माँ बहू की जो है ना, माँ सास जो है बहू का जो बहुत बेइज्जती करती है, उसके साथ गाली गलौज करती है, बदुआएं देती है, तो सास बहू कहती है बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। मुश्किल से बात तो ये बेशक जो वो बेशक बोलती है, वो उसमें तालीम की जरूरत, अहमियत पे दिया गया है, समझिए तालीम की अहमियत उजागर की गई है इसमें। तो ये सब जी अगर आपको जो है ना, इससे लोग समझते हैं, और उन्होंने उनका मकसद भी तंज और मिजाह का ज्यादातर वो ये था, मिजाह ज्यादा होता था, वो मकसद ये था कि लोग मिजाह में ज्यादा दिलचस्पी और अट्रैक्ट होते हैं, अटेंशन होल्ड किया जा सकता है, और उसके जी बाद जी संजीदा बात पेश करते थे। तकरीबन सारी ही नज़में देखें, एंड में संजीदा हो जाती है, एक मैसेज देती है, क्योंकि लोग काफी बेशक हंस चुके हैं, वो रेडी हैं, एक तवज्जो, यानी कि ही हैज ग्रैब द अटेंशन, नाउ इट्स टाइम टू सर्व द मैसेज। मैसेज तो दैट्स द टैक्टिक ही अप्लाई अप्लाई। तो उसका जवाब यही है कि वो अवाम की जुबान में बात करना चाहते थे, कि अवाम समझ सके, उनकी जुबान में बात करें उनके मसाइल, जिससे वो समझ जी सके। कई लोग तो समझ भी नहीं पाते कि उनके मसाइल क्या है, समझिए, वो वर्बलाइज नहीं कर पाते, महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आप एक तरफ तो आप बेटी की वजह से सफर हो रहे हैं, किसमें, जहेज में, और दूसरा जो है ना, आप ये भी है कि अपने बेटों के लिए भी जहेज मांग रहे हैं। बेशक बेशक तो ये समझिए, ये एक तरह से कॉन्ट्रास्ट है ना, आपके तजाद है आपकी अपनी शख्सियत में, अपने जिंदगी में, तो आप कंट्रोल कीजिए उससे। लोग ये समझ के जाते हैं कि ये यानी कि जहेज बुरी चीज है, तो वो अपने समाज से ही लेते थे सारे मौजूद, और फिर उनका मुशाहिदा भी बहुत तेज था। अभी आपने वो कौन सा शेर सुनाया था, हाँ मैं भूल गया, अभी जिसके जवाब में अभी एक शेर सुनाया था ना आपके, के ये कौन जो, गालिब तेरा सर हाँ ये देखिए, अब जी क्या हमारे समाज में, हमारे कल्चर में ये नहीं है कि बीवी अपने शौहर का नाम नहीं लेती, जी मुतवसिफ जी तब जी लेके कहाँ लेती, बेशक आप बोलते मुन्नी के अब्बा, हाँ इनो, जी हमेशा वो औरत ये बोले शौहर को, बोले तो इनो आए थे, इनो गए थे, इनको चाय जी दे के आ रही हो, समझ गए, वो इनो है। वो जो है ना, शौहर का नाम लेना एक तो औरत के लिए समझिए शर्म की बात थी, और जी जो है ना वो शौहर की, और फिर गैर मर्द का तो नाम ले ही नहीं नाम सकते, नहीं ले वो अपने सकते शौहर थे का ही नहीं ले सकती तो कैसा। तो वो ये बोल रही है कि जब भी देखिए, वो गालिब का जो शेर पढ़ती है उसमें जी मखता है गालिब का, गालिब का जी नाम आता है, तो बहू चूंकि जाहिल है, और फिर ये बेशर्म सास की बात जाहिल है गैर मर्द का नाम लेना, तो कौन गालिब तेरा ये सग्गा है कि गैर जी मर्दा का नाम लेती है, इत्ता जी दिल दिलेरी बोरू माँ गैर मर्दा का गैर नाम मुर्दा का लेती नाम है, लेती है समझ गया आप, जी कौन जा को रगलिंगा तेरे से कांच कोरे की तू दगा ली है। देखिए बात को कहां से कहां, ये उमूमन होता है गंवारों के औरत में या सासों में, के वो बात को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, बेशक तो ये वो चीज है। जी। और एक और चीज, ये जो इंडिया का ये जो कल्चर है कि बीवी अपने शोहर का नाम नहीं ले सकती या फिर नहीं लेना चाहिए, इट्स लुक्ड अपॉन एज समथिंग बैड, एंड यू लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द लास्ट 30 और समथिंग इयर्स, आई थिंक दैट इज वेरी एलियन दैट देयर। एंड वंस आई वाज टॉकिंग विद समवन, किसी से मैं बात कर रहा था देन एंड एक्सप्लेन दिस कल्चर मैंने इंडिया में बताया तो एक वेस्टर्नर को, एंड वो लोग इसे नहीं समझ सकते जो इंडिया की जो
प्रॉब्लम्स है, और माशाल्लाह सुलेमान खतीब साहब की हर नज्म की हर लाइन में एक, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, ये चार चार ही लाइन आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन माशाल्लाह इसमें इतनी बड़ी बातें हैं आज सीखने को मिल रही है हम सबको। और तेजिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप गुलबर्गा में जो हर साल सुलेमान खतीब साहब का मेमोरियल जो इवेंट होता है, मैं मेरे वालिद साहब को हर साल ले जाता हूँ वहाँ पे, और इंशाल्लाह इस साल भी देखते हैं कैसे होता है। अब कोरोना के सो पता नहीं क्या क्या हालात, हम देखते जी 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 हैं। जी तो इंशाल्लाह शायद कोई ऑनलाइन हो सकता है, तो शायद लोग इंतजार में हैं शायद। जी, तो मैं शमीम सुरैया मैम से एक सवाल है कि केवड़े का बन, क्योंकि जब भी हम सुलेमान खतीब साहब को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उनकी सबसे से जो पॉपुलर बुक है, किताब जो है, तो उसका नाम केवड़े का बन है। तो इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी क्या खासियत है कि किताब का नाम केवड़े का बन है? शमीम मैम शायद शायद, माइक ऑफ है उनका, आई डोंट नो। हाँ जी, माइक शायद ऑफ है, शायद आवाज उन तक पहुंची या नहीं। माइक ऑफ है। शगुफ्ता प्लीज ऐसा हो कोऑर्डिनेट विद हर। जी गया ओके, अनम्यूट, म्यूट पे है देखिए थैंक यू। हाँ आपका माइक। हाँ नाउ शी इज ऑन। अभी ये आपने जो सवाल किया है उससे पहले मैं 28 तारीख के अशआर कहना चाहूंगी। जी बेशक बेशक, उस 28 तारीख इस तरह से शुरू होती है, एक क्लर्क की बेवा उसके मजार पर जाती है और कहती है, रोज लड़लड़ को जान खा खा को, अच्छा जंगल में सो गए आखो, मुंडी काटी को पहले मरना था, ले को मुट्ठी में जान बैठी है, ऐसा मरना भी कै का मरना जी, घर में बेटी जवान बैठी है, कितने लोगा के पामा पड़ पड़ को, घर से मैयत को मैं उठाई हूँ, जीना मरना तुम्हारा कर्जे का, आज फूला उधार लाई हूँ, इतना एहसान हमको करना था, तनख्वाह लेने के बाद मरना था। तो ये एक नज्म है जिसमें सारी ट्रेजेडी आपके सामने है। जी, लेकिन आपने जो सवाल किया है कि केवड़े का बन क्यों नाम रखा गया है, उन्होंने अपने पेश लफ्ज में उसकी वजह भी बयान कर दी है कि केवड़े के बन में देखिए खुशबू भी होती है, और वो कहते हैं कि उसमें सांप भी होते हैं, नुकीले कांटे भी होते हैं। शायद आपने केवड़े का पौधा नहीं देखा, वो बड़े उसमें कांटे होते हैं लेकिन उसमें बड़ी खुशबू भी होती है। जी। तो उसके टाइटल की वजह भी यही है कि वो एक ऐसी सोसाइटी का नक्शा पेश कर रहे हैं जो सोसाइटी हमारे लिए नागजीर है, जिसमें हमें रहना ही है, और उसमें हमें कांटे भी मिलेंगे, अच्छी चीजें भी मिलेंगी, बुरी चीजें भी मिलेंगी, और इसलिए उन्होंने अपने मजमुए का नाम केवड़े का बन रखा, क्योंकि आप देखते हैं कि उसमें जहाँ पे वो हंसने की बातें करते हैं आप एंजॉय भी करते हैं, फिर तंस का नश्तर भी आपको चुभता है, केवड़े का कांटा भी आपको चुभता है, और फिर जैसा कि उन्होंने ये कहा कि याद बोले तो गजरे में केवड़े की बास, जैसे केवड़े का जैसे कांटा केवड़े कलेजे का, के पास, तो याद बोले तो गजरे जी में गजरे की बास, जैसे जी केवड़े का कांटा कलेजे के पास। तो आपको मालूम है कि एक मीठा दर्द, एक मीठी कसक जैसे केवड़े का कांटा कलेजे में चुभ जाए, वो आपको दर्द भी दे रहा है लेकिन आप उसको जो है उस दर्द को एंजॉय भी कर रहे हैं। समटाइम जी दर्द दर्द इज एंजॉयमेंट, इट गिव्स यू जी लाइफ, क्योंकि जी बगैर दर्द के तो जिंदगी में मजा नहीं है। मैं नजमा साहबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस जमाने में जबकि दखनी बोलना बहुत मुश्किल है, उन्होंने अच्छी तरह से उसको पेश किया, एक आध अल्फाज उसमें थे वैसे, और लेकिन मैं उनको तारीफ करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पेश किया, और उसमें सास बहू में सिर्फ सास बहू का झगड़ा नहीं है बल्कि एक तालीम याफ्ता
औरत और एक गैर तालीम याफ्ता औरत का फर्क भी बताया गया, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी को पेश किया गया है उसमें। जी शुक्रिया शमीम साहिबा साहब, आपने बहुत ही मतलब एक ये मेरे दिमाग में था, मेरी वालदा के पास ये किताब है, मेरी वालदा ने मेरे बचपन में पढ़ के सुनाई थी केवड़े के बन, तो मुझे आज भी वो याद है मेरी वालदा की आवाज में। और कल भी मैं जब इस प्रोग्राम के लिए बात कर रहा था तो मेरी वालदा ने खुद पढ़ के सुनाया था जो छोरा छोरी है और जो सास बहू की नज्म है। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में सवाल था कि केवड़े का बन क्यों, और आपने जी एक जो क्योंकि मतलब गुलाब का बन हो सकता है, मोगरे मोगरे के बारे में उन्होंने लिखा भी है और दूसरे फूलों के बारे में भी शायद लिख सकते थे, लेकिन केवड़े का बन ही क्यों। और मैं और डॉक्टर साद कुछ हफ्ते पहले हम डिस्कस कर रहे थे सुलेमान खतीब साहब की नज्मों के बारे में, उनकी राइटिंग के बारे में, तो हम लोग वाकिफ नहीं थे कि केवड़ा क्या है। तो जी मुझे गूगल पे जाके उसकी फोटो देखनी पड़ी और मुझे बस इतना पता था कि उसके उसमें फूल होता है एक जिसकी खुशबू होती है। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि केवड़ा एलोवेरा है, लेकिन फिर पता चला कि वो एलोवेरा नहीं है लेकिन कुछ और है। क्यों, और वाकई में ये सुन के आपके आपकी जुबान से ये उसका एक्सप्लेनेशन माशाल्लाह बहुत ही डीप है कि जिंदगी आसान नहीं है, एक तरफ से खुशबू है एक तरफ से कांटे भी हैं, तो एक मीठा और एक कड़वा जो होता है, कॉमेडी ट्रेजेडी सारे चीजें जिंदगी में है। ये एक मैसेज सुलेमान खतीब साहब का है। शुक्रिया शमीम साहिबा और तहसीन साहब, आप लोग हमारे साथ आए और हमारे साथ ये सारे चीजें शेयर की। एक एक अलग सुलेमान खतीब साहब का एक अलग साइड हमको देखने मिला। और आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या गुलबर्गा में उनके बाद या दखनी जुबान में उनके बाद कोई अच्छा शायर आया है? ये सवाल देखिए ऐसा है, मेरे भाई जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए ये तहसीन तो जो से। ना ये मेरा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है बोलने का जी जी कि उनके बाद आया है या नहीं आया है। ये पढ़ने वालों का काम है कि उनसे बेहतर जी राय है, उनसे आए हैं या ना आए हैं, ये पढ़ने वालों का काम है। और पता नहीं वो क्या समझते हैं और उन पर मुनासिर है। जरूरी नहीं कि आप देखिए, आप पढ़ते हैं, हमारे पास उर्दू में कई कई शोर है। आज आई थी हमारे यहाँ अनदीप वाजिद, और भी कई हैं, अनीता देसाई है, झुम्पा लहरी है, और अरुंधति राय है, और ये सब लोग लिख रहे हैं। समझ लिया, आपकी पसंद हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करें और कोई जी गलत जी चीज नहीं है। कई लिखने वाले हैं, ढक्कन रायचूरी थे उनके अपने दौर में भी और बाद में भी। अब देखिए वो परवेज धुमड़ी वगैरह और भी कई लोग लिख रहे हैं। अब ये आपका हो सकता है किसी और को कुछ पसंद आए, किसी और को जरूरी नहीं कि इसमें ये अदब कुछ और चीज है। समझिए ऐसा नहीं, हर एक का अपना अपना मुकाम है जी और अपनी अपनी पसंद है। ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई बेहतर एक्टर है कोई खराब एक्टर है, ऐसा तो बेशक मुकाबला है नहीं कि भाई हाँ नसीरुद्दीन शाह अच्छा एक्टर है या ओम पुरी अच्छा एक्टर है ये इस किस्म की, या विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है या धोनी अच्छा बैट्समैन है। ये क्रिकेट का भी ऐसा मैच नहीं है, तो जी अदब एक अलहदा चीज है। आप जो है ना अपनी अपनी पसंद है, और नक्कादों जी का काम ना, और ये नक्कादों का काम है, मैं तो हूं नहीं नक्काद। जी 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 अदीब और शायर का एक मुकाम होता है, ये सवाल हमें आपसे करना चाहिए क्योंकि आप एक आम खारी हैं, जी जी आपने हमसे क्या, हमें आपसे करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा दिखा आप दोनों से बात करके और सुलेमान खतीब साहब की नज़मों को सुन के। आखिर में मैं डॉक्टर साद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और कुछ सुलेमान खतीब साहब के कुछ अल्फाज कुछ कलाम पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत वालेकुम ही सलाम। इंटरेस्टिंग वालेकुम सलाम। डिस्कशन हो रहा था। इसके बाद पता नहीं मैं
कैसे पढ़ पाऊंगा, उनकी एक नजर मैं पढ़ना चाह रहा था। एक उनकी तो कई नज्में हैं जो मुझे बहुत पर्सनली मैं उनसे रिलेट कर चुका हूँ, और मतलब जो मुझे बहुत मीनिंगफुल लगी है पर्सनल लेवल पर। कुछ उनकी अनकॉमन जो, या फिर जो उतने क्योंकि वो ज्यादातर दक्कनी शायरी के लिए जाने जाते हैं, उनकी कुछ कुछ नज्में हैं जो दक्कनी स्टाइल में नहीं है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। जैसे कि मैं सो से दरूं, उनकी एक नज़म जो थी उसमें एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन और एक बहुत स्पिरिचुअल किस्म का मुझे पैगाम नजर आता है। पर अभी मैं बस एक ही पोएम पढ़ूंगा, एक छोटी सी, जो पाओ हकीम जो नज़म है उनकी, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, MBBS किया है मैंने। और हकीम जो है, जो लोग नहीं जानते हैं, उर्दू में हकीम जो है डॉक्टर को कहते हैं, और पाओ हकीम यानी कि क्वार्टर ऑफ ए डॉक्टर, 1/4 ऑफ ए डॉक्टर। तो मैं शगुफ्ता भी हमारे साथ अगर हैं तो मैं चाहूंगा कि आप वो बताएं कि हमें जो तहसीन अंकल ने हमें जो ये किताबें लिखी जी हैं। जी अंकल, जजाकअल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस केड़े कबन। दो बीच में से एक अंदलिक बजीत को जाना है, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था ना। इंशाल्लाह विल बी पोस्टिंग हर सून। एंड ये बुक क्लब को देने के लिए वी आर ऑल थैंकफुल। कोई एंड आई मीन बात आई एम अमेज्ड, मतलब ऑल द पापा ड्रामा किए थे शायद, तो बट जब मैंने माँ के मुंह से सुन रही हूँ, आपके मुझे बड़ी होके सब सुनने में आई फील वेरी रिवाइव्ड एंड रियली गुड। थैंक यू बोथ ऑफ यू। यू आर वेलकम। जी, तो आपने जो किताब भेजी थी उसी से मैं कुछ नज़में पढ़ चुका हूँ। तो ये नज़म है पाओ हकीम। घर के पीछे जदीद खबरें थी, घर के पीछे जदीद खबरें थी, ये भी उनका ही कारनामा था। जिनके खुफिया इलाज होते थे, यही वो खुश नसीब सोते थे। क्या कहें खुद हकीम साहब भी, जुमला अमराज का नमूना थे। गिरती दीवार, झड़ता चूना थे, यानी सूखा हुआ पुदीना थे। गिरती दीवार, झड़ता चूना थे, यानी सूखा हुआ पुदीना थे। चाल ऐसी के हिलता मफलर थे, दांत वैसे भी गिरती कड़कर थे। खांसी उठती थी, सीटी बजती थी, खांसी उठती थी, सीटी बजती थी, दोनों आंखों की लाइट मध्यम थी। एक दुकान एक कफन फरोशा थी, वहां शिफा खाना खोल रखा था, उसके बाजू यतीम खाना था, ये भी कुदरत का कारखाना था। बंदा बंदे से यहाँ नहीं मिलता, रब को बंदे से ही मिलाते थे। फिक्रे रोजी जिन्हें सताती थी, उनको आराम से सुलाते थे। क्या गरीबी है, क्या अमीरी है, फर्क दोनों का ये मिटाते थे। किस कदर बाकमाल इंसान थे, किस कदर बाकमाल इंसान थे, कौमी एकता से काम लेते थे। हिंदू मुस्लिम हो, सिख या ईसाई, एक गोली से मार देते थे। अभी जो डॉक्टर साहब हैं, हकीम साहब, उनके घर पे एक फकीर आता है। फकीर कहता है, मरने वाले के नाम पर दे दो, मरने वालों पर दे दो, ताकि हक में दुआ करे कोई। हकीम साहब कहते हैं, रोज कितने फकीर आते हैं, किसकी हाजत रवा करे कोई। तुम निकम्मे हो और नालायक, मुफ्त खोरों को क्या करे कोई। हम भी मोहताज हैं मरीजों के, क्या किसी का भला करे कोई। फकीर कहता है, गोली खाते ही लोग मरते हैं, बिल भी कैसे अदा करे कोई। तुम भी मेरे ही साथ आ जाओ, घर में बेकार क्या करे कोई। हकीम साहब कहते हैं, तंदुरुस्ती की फिक्र कर नादा, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। यहाँ देखिए वापस हकीम साहब अपने पेशे पे आ गए हैं। फकीर कहता है, तंग दस्ती अगर मुसलसिल हो, तंग दस्ती यानी कि पावती, तंग दस्ती अगर मुसलसिल हो, तंदुरुस्ती को क्या करे कोई। दुख है दुनिया में सिर्फ रोटी का, मेरे दुख की दवा करे कोई। रोटी कितना जलील करती है,
ऐसे कब तक जिया करे कोई। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हर पोएम जो है, जैसा आप तहसीन अंकल बता रहे थे, बहुत मीनिंगफुल होती है और पर्पसफुल होती है। हालांकि वो ह्यूमर और सटायर के लिए जाने जाते हैं, पर उनकी जो ह्यूमर है वो बहुत पर्पसफुल होती है। उसमें कुछ ना कुछ पैगाम होता है। और आखिर मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट जो एंड होता है हर पोएम का, वो एक बहुत ही एक मीनिंगफुल या इम्पैक्टफुल एक एंडिंग होती है उसकी। उनकी और भी कुछ नज़मे में मुझे बहुत पसंद आई थी, और मतलब मुझे लगा कि ये थी नज़मे उनकी जानी जानी चाहिए, मतलब पॉपुलर होनी चाहिए थोड़ा सा। जैसे कि पंडित नेहरू के इंतकाल पर उन्होंने जो लिखी थी, और कलाम ए बंदा नवाज का भी तर्जुमा उन्होंने किया था। और वैसे तो ख्वाजा बंदा नवाज के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, और उनकी जो नात हैं और हमद हैं, तो इन इन चीजों को भी हम जब देखेंगे तो एक बहुत होलिस्टिक उनका उनका स्टाइल होता था। वैसे तो मैं उर्दू शायरी के बारे में कुछ नहीं जानता, और अभी थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया हूँ, तो मैं कुछ इन बातों पे कमेंट तो नहीं कर सकता, बट एज ए ले पर्सन मैं ये बातें कह रहा हूँ। देखिए, ये सब लिखा तो ले पर्सन के लिए है ना, उन्होंने जबान भी जी वही इस्तेमाल की है उन्होंने ले पर्सन की। जी और फिर जैसा कि मैं कह रहा था कि पसंद अपनी अपनी है, मैं देख रहा हूँ कि आपको उनकी ज्यादातर जो है जो शायरी है वो उर्दू में है, और गजल जो फिलासफिकल है, दर्द दरू जो है काफी फिलासफिकल है, और आपको वो जी अट्रैक्ट बिल्कुल करती है। तो समझिए, अभी किसी ने कहा था अनिल वाजिद से कि आप एक इससे क्यों नहीं स्टिक रहती, व्हाई डोंट यू स्टिक टू द सेम सब्जेक्ट, यू कीप जंपिंग, यू राइट ऑन फूड, यू राइट ऑन मैरिजेस, इवेंट्स एंड रोमांस, यू राइट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट हॉरर एंड ऑल दिस। सो आई मीन शी सेड दैट आई डोंट हैव टू बी लिमिटेड, यू कैन टेल मी व्हाट आई एम, यू नो आई फील फॉर राइट फॉर माई सेल्फ, यू नो टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो आदमी में आप देखिए हमेशा, कभी आप ह्यूमर चाहते हैं, कभी संजीदगी चाहते हैं, जिंदगी में हर एक मूड होता है, शायर का भी मूड होता है, वो जो है ना कई चीजें लिखता है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी ये लिखा, होगी नज़म तो पता नहीं किस चीज से मुतासिर हो, क्या इफेक्ट करे फनकार को हम बोल नहीं सकते। वैसे मैं ख्याल ये है कि मैं ज्यादा कुछ बोल गया हूँ इस कलम में, मेरा मकसद सिर्फ ऑब्जर्व करना था। मैं बड़ी कोशिश ये तय करके आया था कि मैं यहाँ पर सिर्फ सुनूंगा, मुझे कई ख्वाहिश थी कि आप जो भी यहाँ पर हैं ऑनलाइन, मैं उनके डिस्कशन सुनूं कि वो क्या सोचते हैं समझते हैं। मुझे खुशी होगी उनकी राय देख के, उनके सवाल देख के। ये सही है कि आपने बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट आप हजरात ने, दोनों ने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। मैं समझता हूँ कि और हो सकता है और भी लोगों के सामने उनके भी सवालात होंगे, और उनको भी चांस देना चाहिए। मैं सोचूंगा कि अब वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं, और फिर शायद आप लोगों में से कोई उसका जवाब दे। अब मैं तो फैसिलेट करूंगा, अगर मुझे कुछ ये महसूस हो कि भाई ये मुझे यहाँ पर कुछ बोलना है तो बोलूंगा, मगर बेहतर ये होगा कि क्लब की जो नॉर्मल कार्रवाई है वो उसी तरीके से कंडक्ट की जाए। जी जरूर तहसीन साहब। साहब आई थिंक यू वांट टू कैरी ऑन विद अनदर पोएम, राइट, जो नेहरू जी के देहांत पे लिखी थी सुलेमान खतीब साहब ने। नहीं, बस एक ही मैं पढ़ना चाह रहा था। हमें वक्त का लिहाज भी करना चाहिए। 5 o'clock तक हमने डिसाइड किया था कि हम ये करेंगे, तो असल में जो ये हमारी खुशनसीबी है कि तहसीन अंकल और शमीम आंटी भी जो हमें हमारे साथ ज्वाइन हो सके और हमें उनसे इस्तफादा करने का मौका मिला। ये हमारा जो प्लान था वो उसी तरह का कुछ था कि हम अपने जो कुछ
पर्सनल फेवरेट जो उनकी हमारी पोएम्स हैं सलमान खतीब साहब की, वो हम रीड करें, और उतना तो हमने कर लिया और उससे कई ज्यादा हमने आज सीखा है यहाँ पे। जी जी इट वॉज अ प्लेजर। आप देखिए, तो इट वॉज अ प्लेजर टू ही सी यंग पीपल इंटरक्टिंग एंड एक्टिंग। आई रियली एंजॉय द सेशन विद अनदीप, यू नो, वाजेद, एंड शी इज अ न्यू एंड अपकमिंग राइटर, एंड यू नो शी ब्रॉट न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू थिंग्स, एंड आई रियली एंजॉयड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस पीपल हैड फॉर हर। अब ये तो ये है कि सुलेमान खतीब का जो है ना मामला तो जो है जाहिर है ये दिल के जरा ज्यादा करीब है हमारे सुलेमान खतीब ट्रस्ट की वजह से भी, क्योंकि उनका जो मकसद था यानी कि डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं उनकी जो है मसाइल जो है उनको एलिविएट करना और तालीम और इल्म के हसूल पर वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपने नज्मों में जोर दिया है। उसी का एक सिलसिला था वो सास बहू भी, तो ट्रस्ट इस सिलसिले में काम कर रहा है कि उनके मकासद जो है एक अच्छी आला और अल्फा सोसाइटी की या साले सोसाइटी की समाज की माशरे की तामीर हो, तो ट्रस्ट उस सिलसिले में काम कर रहा है और उस मौजू पे हम काफी बोलते हैं और सुनते भी हैं। लेकिन मेरे लिए और सवालात आपने सुलेमान खतीब के ताल्लुक से बहुत अच्छे किए, खुशी है कि आपने इनवाइट किया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका, इमरान का और शगुफ्ता का और दूसरे मेंबर्स का। ये बहुत अच्छा है आपने जो क्लब शुरू किया है, मुझे खुशी हुई। अगर शायद पता नहीं इसमें मेंबर बनी थी, मुझे ये ख्वाहिश है कि यंग जनरेशन क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और किस किस्म का अदब पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही, गैरत भी चीजें भी शायद आप लोग लाते होंगे बुक्स और राइटर्स को उसमें पढ़ते होंगे, तो यंग जनरेशन क्या पढ़ रही है, रिलेवेंट क्या है। मैं खुद अपने बच्चों के जब वो पढ़ते हैं तो कभी कभी उनकी किताबें पढ़ता हूँ, आजकल एक सीरीज देख रहा हूँ टीवी सीरीज, क्योंकि वो मेरे बेटे ने रिकमेंड की है, 20 साल उनकी उम्र है, तो ये जो क्या देख रहे हैं वो सोसाइटी पे उनका नजरिया क्या है, उनके मसाइल क्या है, ये जनरेशन गैप खत्म होना चाहिए। तो ये जो सास बहू भी जो थी ना उसमें न सिर्फ तालीम है बल्कि जनरेशनल गैप भी बहुत जाहिर किया गया है, उसमें बहुत बड़ा कल्चरल और जनरेशनल गैप भी है। यकीनन हर जनरेशन से एक में था, वो मुझ में और मेरे वालिद में था, मेरे मुझ में और मेरे बच्चों में है, आप में भी सब में होगा। तो ये पाटने के लिए, ये गैप खत्म करने के लिए इस तरह आपने जो रखा है ये बहुत जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें हर उम्र के हर सब लोग शामिल होना चाहिए, क्लब बहुत अच्छी चीज है और रीडिंग क्लब है बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा जब से जानता हूँ जिन्हें बचपन से 7-8 साल से बगैर हाथ में किताब के मैं रहा नहीं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम के क्लब के सारे मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला आपको जो है ना इल्म के हुसूल में जो है ना और शौक फरोजान करे। लेट मे गॉड हेल्प यू, यू नो, विद योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज, एंड मे ही बेस्ट ब्लेस यू विद नॉलेज एंड ऑल द बेस्ट फॉर द क्लब। Thank you very much for having inviting me and my sister over. Thank you for coming on. It was a pleasure to have you, definitely. And we can have more sessions. Inshallah. Inshallah, we will have more such sessions. We'll invite more writers or zyada jo hamare हमारे जनरेशन के हैं या कोई कोई भी हो जो अच्छे राइटर्स हैं और पोएट्स हैं, उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह। और आपकी दुआएं, दुआओं की, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और इंशाल्लाह हम लोग ये जो मिशन हमने शुरू किया है वो इंशाल्लाह हर महीने की शायद तीसरी संडे को हम लोग ये इवेंट करते हैं। पहले मीटिंग होती थी फिजिकल मीटिंग, लेकिन अब कोविड आफ्टर पोस्ट कोविड अब तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है तहसीन अंकल के लिए चैट में. अंकल कैन यू सी हाँ दिस? जी अब्दुल मोहम्मद आबिद हुसैन साहब ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर तहसीन सर खतीब साहब की हजरत बंदा नवाज से अकीदत के बारे में कुछ बताएं। वालेकुम सलाम मोहम्मद आबिद हुसैन साहब, सूफीज्म में वालिद साहब को बहुत एतकाद था और वो बुजुर्गान दीन की बहुत अकीदतमंद थे और उनको खराज पेश करते थे। बंदा नवाज से उनकी खास वजह है, और मैं जो है ना शमीम सुरे या मेरी बहन ने हाल ही में एक मजमून लिखा है उस पर, और बहुत अच्छा मजमून लिखा है कि उनकी वजह क्या थी बंदा नवाज से इतनी अकीदत की। मैं चाहूंगा कि वो इस पर इजहार ख्याल करें। इस सवाल का जवाब वो दें। अच्छा, एक्चुअली शी इज नॉट देयर. आई थिंक शी इज लेफ्ट द मीटिंग. वी कांट अच्छा कम. ओके, तो जी ब्रीफली 6 महीने के थे वो, यतीम और यसीर हो गए थे सुलेमान खतीब, और उनके गुजरने वालिदिन के गुजरने के बाद वो कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया। उसके बाद वो बहुत ही तो बचपन उनका बहुत मुश्किल में गुजरा। कहीं पर वो मुलाजिम थे, यानी कि एज ए हाउस हेल्प रायचूर में, जो है ना वहां पर पढ़ने के लिए उन्हें दाखिल किसी ने अडॉप्ट किया, मगर वो पढ़ाने से ज्यादा यानी स्कूल में डालने से ज्यादा घर तक काम लेते थे उनसे। तो वो अक्सर देखते थे, वो रायचूर से गुलबर्गा वो जब जाते थे तो उर्स के जमाने में वहां से बंडियों में काफले जाते थे, कारवां, और उनको बहुत ख्वाहिश थी कि वो भी जाएं कि ये लोग कहाँ जाते हैं दरगाह में उर्स में। तो वो वहां पर चले गए। एक दफा जो है वो एक कुतुब फरोश था, वो कुतुब फरोश के साथ वो होलिए साथ वहां पर वो आकर ख्वाजा बंदा नवाज के उर्स में अपनी दुकान हेलो. लगाया था। तो एज एन एड वो उसके बोले कि भाई मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चलो किताब बेचने में। तो वो उस अकीदत में ने चले गए वो गुलबर्गा। तो वहां पर उनको जो है ना मुलाकात हो गई उनके उनके कजिन से, जो पहचान उन्होंने पहचान लिया। वो काफी उम्र में बड़े थे, वो शायद 20 से 21 साल के थे, और ये तो बिल्कुल 7 8 साल के बच्चे थे। उन्होंने वालिद साहब को पहचान लिया वहां ख्वाजा बंदा नमाज के दौरान में, और बोले कि ये तो हमारा बच्चा है, कहाँ से आया। खैर वो सब पुलिस रिपोर्ट हुई, वो दुकान वाला छोड़ने तैयार नहीं था, उसकी भी जिम्मेदारी थी जिनके हाथ से लाया था। तो बिलाखिर वो अपने रिश्तेदारों से मिले और फिर तालीम हासिल की, चले गए। वो जो है ना जो कुछ हुआ उन्होंने जिंदगी में हासिल किया अपने खानदान से, फिर मिल गए वो। तो उस मुकाम पर वो अपने खानदान से मिले थे दरगाह ख्वाजा बंदा नवाब से। फिर हुआ ये कि वहीं पर मेरे नाना, इसलिए उनको बहुत अकीदत थी ख्वाजा बंदा नवाब से कि उन्होंने उनके खानदान से मिला दिया और उनकी जिंदगी बदल गई। दूसरा ये कि उनके मेरे नाना जो थे वहां पर, वो एक टीचर थे और हाफिज कुरान थे, और वहां मदरसा हुफाज में दर्स दिया करते थे ख्वाजा बंदा नवाज के। वहां पे जो पीछे छोटी मस्जिद है और आजकल बंद है वो दरगाह के अहाते में, तो वहां पे वो उनसे मुलाकात हुई। फिर जो है उन्हीं की बेटी से वालिद साहब की शादी हुई, तो और फिर गुलबर्गे में ही नौकरी मिली। तो अब जब ये सारे वाकयात हुए तो उन्होंने दुआ मांगी कि मैं अब गुलबर्गे से बाहर नहीं जाना चाहता। जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ जॉब पे, तो उन्हें चॉइस दी गई कि गुलबर्गा और दूसरा भी मुकाम था, तो उन्होंने गुलबर्गा ही चॉइस अपने जॉब की बताई कि मैं गुलबर्गा की एक्सेप्ट करूंगा। तो उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी थी ख्वाजा, यू नो उन्होंने दरख्वास्त की थी ख्वाजा बंदा नवाज से कि वो दुआ करें कि अब उन्हें ख्वाजा बंदा नवाज के इस मुकाम से जुदाई कभी नहीं होगी। तो चुनाचे वो 35 साल तक मुलाजिम रहे और सिर्फ गुलबर्गा में ही रही उनके। एक दफा तो हुआ कि उनका ट्रांसफर हो गया और वो चार्ज भी दे चुके थे और जा रहे थे, फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम वहां पे फिल्टर में गुलबर्गा के फिल्टर बेड्स में आया, जहाँ पर वो मुलाजिमत करते थे, कि उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो बहुत ही
एक्सपीरियंस आदमी है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले सिटी से, इतने बड़े प्लांट से आप ले जाके जो है ना दूसरी जगह ले जाना है जहाँ पर उनके स्किल सेट्स और एक्सपीरियंस वहाँ के लोगों को नहीं, यहाँ के लोगों को ज्यादा जरूरत है। तो फिर वो कैंसल हो गया और वो गुलबर्ग में है, रिटायर हो गए। तो उनसे अकीदत की कई वजूहत थी, जाती वजूहत थी, और उनका थॉट प्रोसेस भी था कि वो जो है ना काफी अकीदतमंद थे, बुजुर्गाने दीन की सूचना थी। उन्होंने कई मनसबत लिखी है ख्वाजा मंदा नवाज की शान में। मेरा एक और सवाल है। आपकी वालदा का जिक्र हुआ यहाँ पे, तो मैंने एक उनकी गजल भी मैंने पेश की थी, तो उनकी क्या कोई किताब या कोई उनकी कोई नज़में गजलें क्या कभी पब्लिश हुई हैं न्यूज़पेपर्स में या फिर एक किताब की शक्ल में? ये मेरे को उनकी शायद वाले साहब ऐसी कोई उन्होंने कुछ इतना नहीं लिखा। बात दरअसल ये है, मुझे भी ताज्जुब है कि इधर हालिया से मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर एक आध लिख दिया, ऐसी कोई यानी कि कभी मोटिवेट हो गए हैं और लिख दिया एक आध चीज ऐसी है, वरना वो बाबा कुछ उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की शायरी लिखने की। और वालिद साहब के जमाने में तो उन्होंने लिखा ही नहीं। पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक जो है इधर 10 साल से जो है ना वो कुछ ना कुछ कभी बच्चों की वो खुद एक टेप में कह रही हैं, वो वहां पे मुशायरा भी है ऑनलाइन शायरी का क्लिप, कि उन्होंने कहा कि मैं शायर नहीं हूँ जो है ना, कभी बच्चों के कभी किसी का फैमिली में सहरा लिख दिया, किसी के बर्थडे पर अपने पोता पोती या नवासी पर लिख दिया, और ये ना कभी एक आध दो तीन शायद गजलें लिखी। तो इतना है नहीं मवाद के कुछ पब्लिश हो सके, लेकिन जो नज्म आपने पढ़ी, वो जो गजल आपने पढ़ी, वो प्रोफेसर कासिम आए थे यहाँ से पाकिस्तान से, बहुत बड़े शायर हैं, और वो आए थे और जब उनके सामने माइक रखा गया तो मुझे यकीन मानिए कि हुआ कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये तो शायरा नहीं है। और जब उन्होंने गजल सुनाई तो मुझे खुद भी बहुत ताज्जुब हुआ उनकी गजल सुना के, ये बड़े आला पाए की गजल है। तो ऐसा, और समझिए वो सब 92 ईयर्स, 92 साल की थी जब उन्होंने लिखा लिखी वो नजम वो गजल। तो ताज्जुब होता है मुझे कि, और वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सबके लिए कि उस उम्र में, और उतने सेहत खराब भी रहती थी लेकिन पढ़ने लिखने का सिलसिला उनका जारी रहा, और उन्होंने जबकि उस उम्र में लोग जो पेशावर लिखने वाले रहते हैं उनके भी तख्लीकी सूते खत्म हो जाते हैं, लेकिन अजीब बात थी कि अचानक वो एकाएक उनमें जो है ना तख्लीकी सूते बह निकले। अल्लाह की देन है। जी अभी बोल रहा किसी ने सवाल अंजलि वाजिब से भी किया था कि क्या ये खत्म हो जाता है कुछ इसी नहज पे, कि क्या कोई लिखना बंद भी कर सकता है या इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है। होता है शोरा पे, हर आर्टिस्ट को होता है कि एक अरसे के बाद उसके तख्लीकी सूत्र यानी क्रिएटिव जूसेस खत्म हो जाती है। जी तो आप मेरे सामने, मैंने वो वीडियो ही देखी थी, और जब मैं पहली दफा मैं सुना, मैं अक्सर सुलेमान खतीब साहब के ऑनलाइन में ये यूट्यूब पे और फेसबुक पे हम लोग सर्च करते रहते हैं उनके नाम, और जो जो नए चीजें मिलते हैं उनको देखते रहते हैं। तो मैं शौक हो गया था कि सुलेमान खतीब वाइफ रिसाइटिंग हर ओन गजल ऐसे कुछ नाम से वीडियो थी, तो तभी मैंने देखा और मैं शौक हो गया कि हाँ उनकी बीवी उनकी वाइफ भी लिखती हैं। तो मैंने मेरे वालदा को दिखाया, तो मेरे वालदा ने बोला अरे ये तो बहुत अच्छे, मतलब एक जैसे आपने बोला कि बहुत आला मुकाम की गजल है, उसमें हर यानी जो गजल के ये होते हैं न्यूंसस वो सारे ये हैं, बहर है उसमें और राइम है, एवरीथिंग इज देयर, सो तो ट्रेंड प्रदीप खाफिया हर।
काफी पढ़ी लिखी थी वो और तालीम याफ्ता थी, और वो फारसी शायरी ज्यादा पढ़ती थी और जो है क्लासिकल फारसी शायरी में ज्यादा उनको दिलचस्पी थी। तो पढ़ती तो थी, वो हर चीज पढ़ती थी और मुताला उनका बहुत वसी था और फारसी अदब से उनको काफी दिलचस्पी थी। अमीर खुसरो की फारसी चीजें हमें बहुत पसंद थी। तो ये सही है, वालिद साहब जब लिखते थे तो पहले शुरू सबसे पहले उन्हें ही बताते और उनकी राय लेते। मैं ये पूछना चाहता था मगर मैं डोमिनेट नहीं करना चाहता था दीप, कि उन्होंने वाजिद से भी ये पूछना चाहता था कि भाई आप अपनी पब्लिश कर रही हैं, आप जो है ना अपनी खुद नॉवेल्स पब्लिश कर रही हैं, तो फिर क्रिटिक कौन है, कौन डिसाइड करता है कि प्रिंट में क्या जाए और क्या ना जाए? क्योंकि पब्लिशर के पास आप जाते हैं तो उनके यहाँ एडिटर्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि मसौदे में क्या शामिल हो, शामिल हो क्या फाजिल है। अब क्रिटिक चाहिए ना, आप तो खुद अपने क्रिटिक नहीं हो सकते, राइट? तो क्या इजाफी है, क्या फनी खामियां है, कहाँ पर स्टोरी में झोल आ गया है, गैर जरूरी है, ये सब चीजें कोई ना कोई तो उन्हें बोलना चाहिए, बोलता होगा आप तो। अगर यानी कि वो एडिटर का काम होता है, पब्लिशर के जो वो काम करता है वो जनरल में एक्सपर्ट होता है और पेशावर होते हैं। तो वालिद साहब के जो क्रिटिक थे वो वालिदा साहिबा थी, वो पहले लिखते तो पहले उन्हीं को बताते। जी। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आया है, कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। आईड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन टू तहसीन सर इफ द मीटिंग अलाउज फॉर द सम मोर टाइम। खतीब साहब की आखिरी दिनों के बारे में कुछ बताएं जी, हम सब लोग ये सुनना चाहेंगे। वो हुआ ये कि देखिए ये बड़ा तकलीफ दे, मैं जाती तौर पे जो है मेरे लिए बड़ा इमोशनल है वो आखिरी अय्याम को याद करना। बात दरअसल ये है कि ऑब्जेक्टिव रहना मेरे लिए जो है ना जज्बात को कंट्रोल करना जरा मुश्किल है, क्योंकि वो मेरे वालिद थे और मैं हमेशा ये कोशिश किया हूं कि उन्हें ऑब्जेक्टिवली रीड करूं, यानी कि बहैसियत नखाद एक या फिर खारी की हैसियत से रीड करो उन्हें। एक बात की एक ट्रस्ट का मकसद भी यही है कि उनके जो आला मकासिद थे वो पूरे किए जाए, इसलिए नहीं कि वो मेरे वालिद थे। तो ये जरा डिफिकल्ट है, लेकिन ये सही जाहिर है कि लोगों को आर्मी की शख्सियत उसके फन पे असरअंदाज होती है। तो ये आखिरी चीजें भी मैं उनके फैंस को और नखादों को सबको जानना चाहिए कि कैसे थे। तो हुआ ये कि रमजान रमजान उर्स खरीफ था और वो समझ लीजिए कि ये थे कि हम पहले तो ज्यादातर 35 साल तक वो फिल्टर बेड्स में जो है ना कि मोहतमम की हैसियत से काम किया, वहीं से रिटायर्ड हुए और उसके बाद हमारा घर जाती बन गया था खतीब कॉटेज, वो गवर्नमेंट वो MR मेडिकल हॉस्टल के करीब, वहां पर जो रोड उन्होंने म्यूनसिपालिटी वालों ने दी है सुलेमान खतीब कुछ रोड नाम दिया है, वो घर के सामने से गुजरती है। तो वहां पर हम मूव हो गए थे, ज्यादा अरसा नहीं हुआ था वहां पर मूव होके, चंद महीने ही हुए थे। और उर्स शरीफ गुलबर्गे में ख्वाजा बंदे नवाज का उसकी तैयारियां चल रही थी, बहुत करीब थे। तो वो डायबिटिक थे और हाइपरटेंशन था बहुत जमाने से उनको, गुर्दों का आरेजा भी था, बहुत कम उम्री में हो गया था वो गुर्दों का आरेजा, मेरे ख्याल से 22-23 साल के थे तो जब ही से था। तो यकसान हो गया उनको, तो उस वक्त वो एक मनखबत लिख रहे थे ख्वाजा बंदे नवाज की उर्स के लिए, और HMB वालों से उनका दरख्वास्त भी यही थी, रिक्वेस्ट आई थी कि वो एक रिकॉर्ड मनखबत का जो है लिखना चाहते हैं, तो वो उस पर काम कर रहे थे। मनसूबाबंद उन्होंने कभी काम नहीं किया, इंस्पायर होते थे और फौरी लिख देते थे कुछ भी, मगर ये पहली दफा था वो चूंकि
एचएमयू वालों का रिकॉर्ड कंपनी का जो है दरखास्त है कि वो और नई चीजें लिखें और उस पर जो है वो अखबारों से गवाना चाहते हैं और एक रिकॉर्ड रिलीज करना चाहते हैं एलपी, तो उस पर काम कर रहे थे। वो शामिल है पार्शियल, वो उनकी आखिरी तहरीर भी थी और वो मनकबत और समझिए आखिरी तख्लीक भी थी और आखिरी तहरीर भी लिख रहे थे वो हाथ से। तबीयत बहुत खराब हो गई, फिर हॉस्पिटल में मुझे याद है मैं दबा रहा था, बहुत दबाता था, उनके पैरों में तकलीफ होती थी तो घंटों दबाता था मैं, और इसे अपनी सआदतमंदी समझता था। तो के वालिद की खिदमत कर रहा हूँ मैं, तो वो खुदा हाफिज बने, वो बोले मुझे अच्छा बेटे चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज, और वो बैठ के पता नहीं क्या ऑटो था या कोई कार थी, हॉस्पिटल में शरीक रहे 2-3 मेरे ख्याल से 4-3 रोज। फिर उसके बाद उनका डॉक्टर साहब वो ये बोला कि इज वेरी इन्फ्लुएंशियल वेरी पॉपुलर पर्सन, सो इफ यू वांट टू ब्रिंग अदर डॉक्टर्स हिज कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। मेरे कजिन थे वो जो रेसिडेंट थे उसमें एमआरएम में, वो भी थे डॉक्टर नासिर बनेली की देखने थे, डॉक्टर देसाई उनके पर्सनल फिजिशियन थे, तो डॉक्टर देसाई ने कहा डॉक्टर नासिर बिनेली से जो सदर अंजुमन तरक्की उर्दू थे उनसे कहा कि कहीं पे मिल गए, तो उन्होंने कहा डिड यू सी हिम, आई वुड एडवाइज यू यू गो एंड सी हिम। तो वो भी हॉस्पिटल, तो फिर वहां से एम्बुलेंस में हम हैदराबाद ले गए, यहाँ से वहां पर वो लोगों को बता दिया था, वो उनके अजीज दोस्त और फैन थे आबिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत, तो उनको बता दिया था कि लेके आ रहे हैं एम्बुलेंस में, तो वहां से वो सीधा ले गए मेरे ख्याल से उस्मानिया हॉस्पिटल में। तो वहां पर उन्होंने एक डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी थी जिसमें हार्ट स्पेशलिस्ट रेनल स्पेशलिस्ट ये वो कई तरह के थे, वो रोजाना मीटिंग करते थे, रोजाना न्यूज बुलेटिन आता था न्यूज़पेपर में, उस समय में तो फोन वगैरह आम ज्यादा नहीं था, तो ज्यादातर मालूम हम क्योंकि गुलबर्गे में थे तो ज्यादातर जितने भी दिन रहे तो रोज हेल्थ बुलेटिन न्यूज़पेपर्स में आता था उनका। और फिर मेरे कजिन जो यहाँ पे थे वहां पे भी एक कजिन थे जो रेजिडेंसी कर रहे थे इसमें गांधी हॉस्पिटल में, और मेरे ये भी थे मेरे मामू थे जो उस वक्त वो भी रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से गांधी हॉस्पिटल में या उस्मानिया में पता नहीं कहीं पे थे। तो ये सब लोग थे, और मॉनिटर कहते हैं मेरे भाई थे वहां पे, मेरी वालिदा अमेरिका में थी, और जो है जब वो तबीयत खराब होने का उन्हें मालूम हुआ तो वहाँ पे आई और विजिट पे थी वो यहाँ पे, तो फिर जब वो गए तो उन्होंने कहा वो बातचीत वगैरह ज्यादा नहीं कर रहे थे, मगर जब वो आई तो बोले कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तो फिर वो इंतकाल हो गया 21 और 22 की रात में, इतवार था उस यानी कि रात में 1:30 बजे उनका इंतकाल हुआ, गुलबर्गा आए वो, फिर सुबह गुलबर्गा लाए मेरे ख्याल से 11-12 बजे के वक्त, तदफीन भी ख्वाजा बंदा नवाज के ही वो कब्रस्तान जो है मस्जिद से लगा हुआ वहां पे हुई। तो कई मैगजीन्स में वो नेशनल ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वगैरह से हर जगह से नशर हुआ उनके इंतकाल की खबर, और फिर ये गुलबर्गा रेडियो स्टेशन तो पूरा डॉक्यूमेंट्री 1 घंटे की दिया, और फिर काफी लोग जनाजे में थे, वो जो है ना बिल्कुल यानी घर से यहाँ से वहां तक वो जनाज उतनी दूर है दरगाह के कब्रस्तान तक कंधों पे गया, और किसी को दूसरी दफा जो है मौका नहीं मिला कंधा देने का, वो रिक्शे वाले और समझिए बंडी वाले सब अपने अपने रोक के, ये वो हैदराबाद बस जा रही थी तो ड्राइवर जो है वो बस रोक के कंधा दे के चले गया। तो ऑर्डिनरी जिन लोगों के लिए उन्होंने शायरी की और आम आवाम के लिए उन्होंने उन्हें बहुत मोहब्बत दी और बहुत एतिकाद के साथ, वो मंजर जो है ना गैर मामूली था, किसी को इतनी इज्जत मिली हो अपने चाहने वालों से, हजारों की तादाद में लोग थे।
तो बस ये है, शायद मेरा सा जवाब कुछ ज्यादा ही तवील हो गया। तवील तो नहीं, लेकिन उनकी एक सारे लोग जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं ऑब्वियसली आपके साथ साथ हम भी इमोशनल हो गए, क्योंकि एक बहुत ही अजीज और अजीम हमारे शहर के शायर हैं, और ये हमें कभी सुनने, मेरे जनरेशन को खासकर ये सुनने को नहीं मिला था। और उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वाकई में दक्कनी इलाके से लेकर दिल्ली तक और साउथ इंडिया बैंगलोर तक भी उनकी किताबें और उनकी नज़में चलती थी उस जमाने में, और इस जमाने में तो और ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और मैं देख सकता हूँ कि आप जब बयान कर रहे थे उनके आखिरी दिन, तो आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो जैसे आपने कहा कि जब उनका जनाजा जा रहा था तो वो सारे लोग जिनके लिए उन्होंने लिखा लिखे लिखा था, तो वो लोग उनका जनाजा ले जा रहे थे। ये एक फिलोसॉफिकल, एक पोएटिक जेस्चर ही समझ लो, कि जब वो वापस जा रहे थे तो सारी उनकी जो ऑडियंस थी, जिनकी जिंदगियों को शायद उन्होंने सुधारा था, तो वो सारे लोग उनको लेके उनकी आखिरी जो रेस्टिंग प्लेस है वहां तक उनको ले गए। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तहसीन साहब, और आपकी बहन सुरैया साहिबा का, कि आप लोगों ने इतनी तवील बातें की हमारे साथ, इतनी एक अलग एंगल हमको देखने के लिए मिला। उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत कम उम्र में उनकी उनका इंतकाल हुआ, शायद 55 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था। तो आज भी गुलबर्गा, उनकी गुलबर्गा की अवाम और उनकी जो ऑडियंस है, आज भी उनके फैंस जो है आज भी उनको मिस करते हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, और उनकी जितनी भी कोशिशें थी सुलेमान खतीब फाउंडेशन के साथ, जो माशाल्लाह मैं हर साल पिछले 10 से 15 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम से होते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो पीएचडी करते हैं उनको प्राइजेस वगैरह दिया जाता है, तो और सारे शायरों को इकट्ठा, यानी कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े शायर हैं, राहत इंदौरी भी आए थे, और पिछले साल वसीम बरेलवी साहब भी आए थे, और उनके अलावा बहुत सारे शायर एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारे सामने अपना कलाम पेश करते हैं, और बैनर पे पीछे लिखा हुआ होता है बोल्ड लेटर्स में, और उनकी वो क्लासिक पोज सुलेमान खतीब साहब की, वो ऐसे हाथ करके बैठे हैं, चश्मा लगा के, उनकी छोटी मूंछ और उनकी वो टोपी वहां पे होती है, और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होता है सुलेमान खतीब मेमोरियल मुशायरा। तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनके जाने के बाद भी वो हमारी जिंदगियों को बदल रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो अल्लाह आपकी दुआओं जी को कबूल करे। मैं आप सब, आमीन। आपके जज्बात का, आप सबके जज्बात का और उनसे अकीदत और उनके सारे फैंस का मशकूर हूँ। यकीनन उनका कलाम अभी भी मशाल ले रहा है। जी, बेशक बेशक बेशक। आखिर में डॉक्टर साद, आई थिंक आप हैंडल करना चाहेंगे दी वर्ड ऑफ थैंक्स वगैरह। ओके। जी जी हाँ, ये तो हमारे लिए एक इस इवेंट का हमने जो प्लान किया था, जो सोचा था, उससे बहुत बहुत ज़्यादा हमें मिला इस बार, और एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग की तरह हमें यहाँ मिली आज। और बस मैं हम सब की तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त दिया हमें, और इतना आपने हमें इतना फ्रीली आपने हमसे बातें की। हमारे साथ जो लोग काम किए और जो जिन्होंने ये इवेंट को पॉसिबल बनाया, वो जो स्क्रीन पे है वो लोग भी थे, और जो स्क्रीन पे नहीं है वो लोग भी हैं। इनमें से हमारे कमरुद्दीन जो सैयद कमरुद्दीन जो है अजीम कंटिन्यू फाउंडेशन वो काम करते हैं, और वो उनकी बहुत मदद रही है। और जुनैद खैरदी जो है वो हमारा पूरा प्रमोशनल सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह चलाते हैं, और इसी तरह रश्मि और इमरान भाई, शगुफ्ता, नजमा,
सब लोगों ने बहुत साथ मिलकर बहुत काम किया है इस पर। आखिर में मैं बस कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाह रहा था। आप लोगों का ऑलरेडी काफी वक्त हम ले चुके हैं, तो बस आप चाहें तो अभी भी यहाँ पे उसे खत्म कर सकते हैं हम प्रोग्राम को, वरना बस हमारे लोगों के लिए मैं कुछ स्लाइड शेयर करना चाह रहा था। जो लोग कलबुर्गी बुक क्लब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, और जो 1 साल हमारे जो इवेंट्स हुए हैं ना, उसकी कुछ फोटोज यहाँ पे हैं हमारे पास। आलदाबेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। मैं इजाजत लूंगा, जी जी बिल्कुल, कुछ और काम है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू। कंटिन्यू। शमीम आंटी भी चले गई शायद, है ना? अच्छा आई थिंक हाँ शी इज गॉन, शी इज गॉन। यस, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू गाइस। अच्छा, मैं शमी मांटी से और एक बार मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया आज, और इतना हमें हम हमसे ऐसी बात की कि हम अपना फील कराए, और सलमान खतीब साहब को हम एक बहुत फेमिलियल अंदाज से हम जान चुके हैं आज, और हम सब उनसे उस तरह रिलेट कर सक रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सब जाने से। आप चाहें तो अभी रुख्सत ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ फोटो शेयर करेंगे जो हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं गुलबर्गा के, कलबुर्गी बुक क्लब की अब तक की जो एक्टिविटीज हैं उसमें हम उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो अभी मैं आप लोगों रुख्सत को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आपने बहुत कामयाबी से मुनक्कद किया ये प्रोग्राम। आपके क्लब के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। आइंदा भी ऐसी आपकी जब कभी भी कोई कोशिश हो तो हमें जरूर इत्तला कीजिए, हम इसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे। अल्लाह आपको जजाय खैर दे। बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको सेहत दे और जी, आप अब सबको सेहत दे, बहुत और आपकी वालिदा को भी बहुत बहुत सलाम कहिएगा। जी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू आंटी, जजाक बाय। अल्लाह हाफिज। तमाम टीम को खुदा हाफिज। अल्लाह।